state with reason whether the following algebraic operation with a scalar and vector physical quantity are meaningful. ओके तो कौन से सही फॉलो होंगे और कौन से नहीं होंगे वो अपने को बताना है, यानी कौन सा सही है मीनिंगफुल है और कौन सा गलत है ये बताना है. फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं. फर्स्ट क्या बोल रहा है, एडिंग टू स्केलर, एडिंग एनी टू स्केलर, ये मीनिंगफुल है या नहीं है. एडिंग एनी टू स्केलर, कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी को एड कर सकते हो क्या. जैसे मैं एग्जाम्पल, ये गलत है. क्यों गलत है वो मैं बता रहा हूँ आपको. दो स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैं टाइम ले लेता हूँ एक और दूसरा मास ले सकता हूँ, इन दोनों को ऐड कर सकते हो. यानी मैं बोल रहा हूँ 5 बज रही है और 2 किलो में चीनी लेके आया हूँ, तो ऐड कर सकते हैं क्या. इनको ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, ये गलत है. क्यों गलत है, दो स्केलर क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी है तो मैं उनको ऐड नहीं कर सकता. हाँ ऐसा हो सकता है 2 किलो चीनी और 2 किलो चाय, ठीक है, चाय पत्ती, इनको ऐड कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज, मतलब ये जो क्वांटिटीज सेम है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, दोनों मास है तो मैं ऐड कर सकता हूँ. यहाँ पे एक मास है एक टाइम है, भले दोनों स्केलर है लेकिन मैं इनको ऐड नहीं कर सकता हूँ. नेक्स्ट बी देखते हैं, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, यानी कि एक वेक्टर है और एक स्केलर है उनको ऐड कर सकते हैं. डायमेंशन सेम बोला है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक तो डिस्टेंस है और एक मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इनको ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, ये गलत है, इनको मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ. जैसे एग्जांपल, एक मेरे पास स्पीड है, एक मेरे पास वेलोसिटी है, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इनको मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ. क्लियर है, यानी ए भी गलत है और बी भी गलत है, ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि देखो जैसे ये पाथ है यहाँ से ए टू बी, ठीक है, तो देखो एक में तो डिस्प्लेसमेंट तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पाथ लेंथ है, तो दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता. क्यों, क्योंकि एक में डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन तो डायरेक्शन के साथ ऐड होता है ना. क्लियर है, तो ये गलत है. अब सी देखते हैं, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय अ स्केलर, ये पॉसिबल है. देखो यहाँ पे एनी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, जैसे अभी अपन ने इम्पल्स देखा था, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम. तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और टाइम स्केलर क्वांटिटी, इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर पॉसिबल है, स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेशन, ठीक है. अब यहाँ पे एक वेक्टर एक स्केलर है, ठीक है, तो ये तो दोनों एक वेक्टर स्केलर यानी सी वाला हो गया. बिना दोनों स्केलर हो कौन सा एग्जाम्पल देखो, ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें दो चीज़ हो, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट. अब ये स्पीड और टाइम दोनों क्या है, स्केलर है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है. अब ई देखो, ई क्या है, एडिंग एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो क्या, एडिंग एनी टू वेक्टर पॉसिबल तो है, एडिंग एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं क्या. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखो अब देखो दो वेक्टर को ऐड तो कर सकता हूँ लेकिन वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर डिफरेंट क्वांटिटी हुई तो ऐड नहीं होगा. जैसे एग्जाम्पल देखो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा गलत हो जाएगा. तो ये गलत होगा, क्यों गलत होगा, कि अगर क्वांटिटी डिफरेंट है तो मैं उनको ऐड नहीं कर सकता, अगर क्वांटिटी सेम है तो ऐड कर सकता हूँ. जैसे वेलोसिटी को, वेलोसिटी वन को वेलोसिटी टू से मैं ऐड कर सकता हूँ, दो वेक्टर यहाँ पे मैं वेक्टर का मेरे को फॉर्मूला पता है, मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि एक क्वांटिटी अलग है दूसरी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं, डी एफ पार्ट, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर. अब देखो यहाँ पे ये भी गलत होगा, कैसे गलत होगा, देखो एक मेरे पास वेक्टर है मान लो वी इधर है, ठीक है, अब इसका कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक तो वी कोस थीटा और एक इधर आ रहा है वी साइन थीटा. अब ये बोल रहा है कि v cos theta को v से ऐड कर दो, यानी कि यहाँ पे आप v प्लस v cos theta बोल दो, ये तो गलत होगा ना. क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन ये है और यहाँ पे डायरेक्शन ये है, तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता हूँ. दूसरा तो ये इसी का कंपोनेंट है, आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसी के कंपोनेंट को इसके साथ ऐड नहीं कर सकते हो, ये गलत होगा. तो सही बेस्ट सी और डी होगा.